इस वीडियो में मैं बनाऊं हैरी पुत्तर हैरी पॉटर। तो आज की वीडियो में एक्शन, एडवेंचर, स्पेल्स और भी बहुत कुछ। तो चलते हैं इस वीडियो में फिलहाल हैरी पॉटर के वर्ल्ड में, और इस वीडियो का लाइक एम होगा 10। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग हैं इस हैरी पॉटर के वर्ल्ड में। तो यहाँ फिलहाल मुझे लगता है मुझे उस लेटर को उठाना है। ओ भाई, ये घर कितना ही ज्यादा ऑसम है। तो जिसने हैरी पॉटर का वो मतलब फिल्म देखा होगा उसे पता होगा कि मतलब ये जो है लेटर ये आया है हॉगवर्ट्स से और मुझे एक्सेप्ट करना है। फिलहाल यहाँ पे ये लगता है किचन एरिया है, तो यहाँ मैं गलत आ गया और ये रहा डोर और यहाँ पे ये रहा लेटर, तो इसे एक्सेप्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये देखो ये है हॉगवर्ट स्कूल का लेटर अपना, और हमें जाना आज हॉगवर्ट। यहाँ पे लेटर को एक्सेप्ट करना था, ठीक है, ओपन करना है इसे, एक सेकेंड, ठीक है, लेटर फ्रॉम हॉगवर्ट्स, ऑल राइट। यहाँ पे मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रखा है और मुझे लगता है मैं पहुँच चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक बस लगी हुई है जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे लिए ही है, तो जल्द से जल्द इस बस पे आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे ये रहा अपना कंडक्टर जो कि हमें डायगन एली आई थिंक ले जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं लीकी कोल्ड्रॉन, और लीकी कोल्ड्रॉन आखिर है क्या चीज वो देखना पड़ेगा। फिलहाल कहाँ जाना है, आई थिंक मुझे यहाँ आना था, और ये कंपास जो है इसी तरफ डायरेक्शन मतलब अपना बता रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फाइंड एन एंट्रेंस टू डायगन एली। ऑल राइट, तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, बस अब अपने को खोजना है डायगन एली का रास्ता कहाँ से। तो ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं इससे बात करूँ। हेलो अंकल, क्या हाल है? अंकल तो खुद बिजी हैं। ओ भाई, ये बंदा तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? ओ वाओ, ठीक है। वैसे भाई ये कुछ खा नहीं रहा। हेलो 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 हेलो, यार ये बंदा कुछ कर क्यों नहीं रहा? ओ भाई ये देखो, मतलब यहाँ आते ही जादू चालू हो चुका है, यहाँ पे सभी चीज जादू से काम हो रही है। आई थिंक इस साइड पे रास्ता होना चाहिए डायगन एली का। तो यहाँ पे एक डोर है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओ एक सेकेंड, ओ भाई हैग्रिड, भाई साहब बहुत ही लंबा है ये, एक सेकेंड। ओ भाई ये वाकई में बहुत ही ज्यादा लंबा है मुझसे, मैं तो इसके सामने बच्चा हूं। तो अब मुझे एंट्रेंस खोजना है डायगन एली का, तो आई थिंक यही कहीं पे एंट्रेंस होना चाहिए। ओ वाओ, क्योंकि ये लोग जो है एंट्रेंस थोड़ा सीक्रेट बनाते हैं। तो ठीक है, अब ये ओपन, ओ भाई क्या ही ओपन हो रहा है, और यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और मेरे सामने बहुत सारे नमूने जादूगर हैं। ये वापस से क्लोज हो चुका है और मैं इसे ओपन कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और अब ये दोबारा से ओपन होगा। वैसे हुआ क्यों नहीं? ऑल राइट, द मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें जाना है बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें जाना है बैंक में ताकि हम लोग मतलब अपने मनी को एक्सचेंज कर पाए, जिससे मैं खरीद पाऊँगा मैजिक वैंड, और आई थिंक यहाँ पे मुझे ड्रेस भी लेना पड़ेगा बिल्कुल इनकी तरह। तो ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग बैंक की तरफ जाते हैं। तो बैंक जो है यहाँ एंड पे है आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे अभी दूर दूर तक तो बैंक दिख नहीं रहा, और ऑल राइट वो रहा हमारे सामने बैंक। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बैंक के अंदर, और यहाँ पे ये मनी एक्सचेंज करेगा क्या? नहीं, कौन करने वाला है यहाँ पे मनी एक्सचेंज? एक सेकेंड, आई थिंक वहाँ पे मनी एक्सचेंज होगा। ये करेगा क्या? नहीं यार, कौन कर रहा है? भाई तू करेगा क्या? हाँ, स्कूल के लिए पैसे चाहिए। हाँ भाई, तू दे रहा है क्या पैसे? ओ वाओ, मुझे पैसे मिल चुके हैं। अब हमें वैंड परचेस करना है, स्कूल बुक्स करना है, और पता नहीं सेट ड्रेस करना है। चलते हैं जल्द से जल्द वैंड को खरीद, नहीं आई मीन मैजिकल। गाइस आई थिंक मेरे सामने वाला जो ये बिल्डिंग है मुझे इसी में जाना है, और आई थिंक मुझे यहाँ से मैजिकल वैंड मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर। इस बिल्डिंग का नाम है ओलिवैंडर्स, ठीक है। तो चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ पे एक बूढ़े काका हैं। हेलो काका, मुझे चाहिए एक मैजिकल वैंड।
और ये क्या बोल रहा है, एक सेकंड, ओपन क्वेस्ट बुक। ठीक है, क्वेस्ट बुक को ओपन कर चुका है मैंने। ठीक है, मुझे वैंड लेना था। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं सब चीज। अब इनसे कुछ बातें हो जाएं। या मैं वैंड के लिए आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पहला मैजिकल वैंड मिल चुका है। मुझे वैंड खोजना है क्योंकि मुझे मतलब परफेक्टली सूट कर पाए, जैसे कि हैरी पॉटर मूवी में भी होता है। तो ठीक है, हमें एक मिल चुका है, अभी भी बाकी है, दो और खोजना है मुझे। तो ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ कहीं। ओ भाई, मिल गया मुझे, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। यहाँ पे हमारे पास टू वैंड्स हो चुके हैं, बस एक रह गया है, वो एक कहाँ पे होगा बस ये देखना है। तो यहाँ पे तो नहीं है, इस रूम में आई थिंक। एक सेकंड, किधर हो सकता है? बस मुझे नीचे नहीं गिरना है भाई, नहीं तो हेल्थ तो इसमें भी कम होनी ही है। और वाओ, ये मिल चुका है। अभी हमारे पास तीन वैंड, अब जल्दी से चलते हैं उस बूढ़े काका के पास और वहाँ से एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज नहीं सॉरी, बाय करते हैं अपने लिए वैंड। यस यस यस, इनके पास भी है, ये देखो मेरे पास भी है। आबड़ा, ये लड़की बन जाए मेरी अच्छी दोस्त। राइट, अब हमें लोकेट करना है फ्लॉरिस एंड ब्लॉट्स को। तो मैं कंपास के साथ ही चलता हूँ और देखता हूँ कहाँ पे है ये दुकान। फिलहाल ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अभी तक तो, क्या पता है इसमें मॉब्स भी स्पॉन होते हों, जो मतलब विलेन है हैरी पॉटर में। तो यहाँ पे और फाइनली हम लोग पहुँच गए, आई थिंक शायद ये वाला दुकान है। ऑलराइट गाइस, तो ये वाला दुकान है और यहाँ से हमें क्या ख़रीदना है, एक सेकेंड, यस, तो बुक्स ख़रीदना है। ठीक है, तो फैंटास्टिक बीस्ट, स्टैंडर्ड बुक ऑफ स्पेल, क्या ख़रीदूँ मैं, क्या, अच्छा ये जो बोल रहा है इसे मैं ख़रीद लेता हूँ। ठीक है, और क्या ख़रीद सकते हैं? ठीक है, ये भी ख़रीद लेते हैं, और ये नहीं ख़रीद सकते। ऑलराइट गाइस, तो इसने जो जो कहा था मैंने वो बुक ख़रीद लिया है। अब यहाँ से निकलने की बारी है अपनी, और अब हमें कहाँ जाना है? ओ वाओ, अब हमें एक नए लोकेशन पे जाना है। तो ठीक है, चलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मुझे अपना ड्रेस मिल जाएगा और मैं भी बन जाऊँगा एक विज़ार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे शायद यहाँ जाना है क्या? एक सेकेंड, यहाँ नहीं जाना है, आई थिंक इस डोर से मुझे जाना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक अम्मा है, हेलो, हाँ ठीक है मैडम मेलकिंस, आई नीड टू परचेज माई स्कूल यूनिफॉर्म, या परचेज हॉगवर्ट्स यूनिफॉर्म। ऑलराइट, तो यहाँ पे परचेज कर लेता हूँ मैं, ये जो बोल रही है। ठीक है, स्कार्फ भी चाहिए, और क्या चाहिए, ट्राउज़र विद बेल्ट ये चाहिए, बस हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, गुड बाय। टंटना, क्या लग रहा हूँ मैं, फाइनली अब मैं लग रहा हूँ एकदम हैरी पॉटर के टाइप, मतलब टाइप ही, क्योंकि हैरी पॉटर तो लग नहीं रहा क्योंकि मेरा मुंह जो है यहाँ पे स्कार्फ से ढक चुका है। अब हमें एग्जिट करना है इस डायगन एली को, तो जल्द से जल्द चलते हैं और एग्जिट करते हैं इस डायगन एली को। जो भी अपना काम था वो कंप्लीट हो चुका है, अब बस यहाँ से चलना है क्योंकि हमने सारे आइटम्स को परचेज कर लिया है, बुक से लेके, ड्रेस से लेके और मैजिकल आइटम्स को भी लेके। तो ठीक है, अब ये खुल जा, सिम खुल जा, यो ये देखो मेरा जादू। यहाँ के लोगों में एक चीज़ मैंने कॉमन देखा है, न्यूज़पेपर लगभग हर दूसरा बंदा तो पढ़ता ही है। अच्छा बात है भाई, तुम लोग UPSC का एग्ज़ाम देना, पक्का टॉप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी जगह है, एक सेकेंड, किंग्स क्रॉस। ऑलराइट, तो हमें किंग्स क्रॉस स्टेशन पे जाना है। ओ वाओ, मुझे लगता है यही अपना स्टेशन क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं किंग्स क्रॉस स्टेशन पे, बस अब देखना है कि वो प्लेटफॉर्म कहाँ है जहाँ से हमें जाना है। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आई थिंक इसमें जाना है क्या? नहीं, इधर जाना है क्या? वाओ, फाइनली हम लोग आ चुके हैं मतलब ट्रेन के लिए, और अब हमें मिलना है ट्रेन कंडक्टर से। ट्रेन कंडक्टर,
तो क्या मुझे आप सेफली पहुंचा देंगे हॉगवर्ट्स? हाँ हाँ पहुंचा दूंगा, तू बैठ तो, ट्रेन खुल जाएगी नहीं तो। ओके, तो फाइंड एन एम्प्टी कंपार्टमेंट इन द ट्रेन। तो ट्रेन में एम्प्टी कंपार्टमेंट खोजना है, तो आई थिंक यहाँ पे एम्प्टी कंपार्टमेंट मिल जाएगा। नहीं ये तो बड़ा हुआ है, सॉरी भाई। भाई कहीं तो खाली हो, नहीं यहाँ भी बंदे हैं। और ये रहा एम्प्टी कंपार्टमेंट। तो अब हम लोग हॉगवर्ट्स जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और फाइनली हमारी ट्रेन जो है वो स्टार्ट है। वाओ, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हॉगवर्ट्स में। आई थिंक अभी हॉगवर्ट्स में नहीं है, अभी हमें जाना है हैग्रिड से मिलने। तो ठीक है, फिलहाल हैग्रिड को खोजते हैं। वैसे यहाँ से निकलना कैसे? ठीक है, तो ये खुल चुका है। और हैग्रिड किस साइड है? आई थिंक उस साइड है हैग्रिड। एक मिनट, हैग्रिड। और इसे पार कर लूँगा तो शायद हैग्रिड यहीं कहीं है। ऑल राइट, तो ये रहा हैग्रिड। ठीक है, मैं डैगन एली में मिला था भाई तेरे से। हाँ याद हूँ ना मैं। ठीक है, तो अब हमें हैग्रिड के साथ जाना है बोट पे और वहाँ से हम लोग जाएंगे हॉगवर्ट्स। तो ठीक है, सबसे पहले मैं बड़े से बंदे को फॉलो कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग चलते हैं हॉगवर्ट्स की ओर। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे अपनी बोट चल चुकी है और हम लोग जा रहे हैं हॉगवर्ट्स, जो कि हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और फाइनली वी आर इन हॉगवर्ट्स। और यहाँ पे रात हो चुकी है, अभी बहुत ही बड़ा कैसल है और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आगे भी इस कैसल को। और बाकी स्पेल्स तो अभी सीखना बाकी है यहाँ पे, देखते हैं इस गेम में अभी आगे क्या होता है। ऑल राइट गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसकी एक सीरीज आने वाली है। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। ठीक है, बाय।